रिस्क करते हैं, कोई कैसे करना चाहता है, कोई कैसे करना चाहता है। कोई कहता है कि बच्चों को छूट दो, बांध के मत रखो, बच्चों को बांध के रखोगे तो बाद में वो करेगा। बहुत से कहते हैं कि बच्चों को ना छूट मत दो, नहीं बच्चा बिगड़ जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। तो मतलब बच्चों की परवरिश कैसे की जाए? जी, सही सवाल पूछा आपने। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है फिजियोग्नॉमी, फेस रीडिंग, ये बहुत काम आता है। जैसे अगर कोई पिक्चर लगी है आज थिएटर में, तो जरूरी नहीं है कि वो सारे लोग उसको देखने जाएं। जैसे अभी कबीर सिंह लगी है, रोमांटिक मूवी है, तो 16 साल से लेकर 28-30 साल के लोग ही जा रहे हैं, बड़े उम्र के या छोटे बच्चे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको उसमें कुछ देखने लायक नहीं लगा। एक क्राइटेरिया, एक सेटिंग, उनकी ऑडियंस है। तो ऐसे ही अगर आप मिठाई की दुकान पर जाएंगे या आपका कोई ब्रांड आप चुनते हैं, तो वो पर्टिकुलर हो जाता है आपका। यानी हर आदमी की अपनी एक चॉइस है, उसका एक नेचर है। तो अगर कोई बच्चा सेंसिटिव है, बहुत सेंसिटिव है, तो हम उसके लिए ऐसा माहौल बनाएं कि लोग खेलें उसके साथ, बातचीत करें, उसे खुलने का माहौल दें। लेकिन एक बच्चा है जिसके कान बहुत तीखे हैं और बहुत चंचल है, बहुत शरारती है, तो उसको उतना हम एफर्ट भी ना लगाएं, तब भी वो अपने आप कम्युनिकेट कर लेगा। अगर मान लो किसी के कान ऐसे चिपके हुए हैं, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे चिपके हुए हैं, तो वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने जज्बातों को बता नहीं पाते, उनको डर लगा रहता है कि लोग मेरे को जज करेंगे, या मेरे लव्ड वंस मुझसे दूर नहीं चले जाएंगे, या मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरी इमेज खराब ना हो जाए, मैं किसी को हर्ट ना कर दूँ। जिनके कान ऐसे दबे रहते हैं, वो संकुचित भावना के होते हैं, तो उनको निकालना जरूरी है। वो ऐसे बच्चे नहीं कि शादी पार्टी में, बर्थडे पार्टी में जाकर के खुद से डांस करने लग जाएं, उनको हाथ पकड़ के लेना पड़ेगा कि आओ आओ डांस करते हैं। तो उनको सहारे की जरूरत है। अभी जिसके कान पर ऐसे बाहर हैं, तो उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बच्चे के वो नेचर पे डिपेंड करता दे है। कैन हैंडल देयर सेल्फ। तो ये चीज़ है। अगर मान लो कि कुछ बच्चे हैं जिनमें फिजिकल ताकत ज़्यादा, जैसे परसों के दिन वो लड़की आई थी अपने बच्चे को लेकर के, बहुत शरारती था वो बच्चा, तो अगर ऐसा बच्चा है, तो वहाँ पे हमें एक PTI जैसे टीचर होता है, या स्ट्रिक्टनेस थोड़ी सी अपनानी होगी, सर्विलेंस रखना होगा, कैमरा रखना होगा कि वो गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, किसी झगड़ा ना कर ले, और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट नेचर उसको चाहिए। मान लो कोई सेंसिटिव बच्चा है, तो उसको स्ट्रिक्ट नेचर की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो शैतान है, उद्यमी है, उद्दंडी है, और दूसरों को भी लड़ रहा है, और जैसे उसकी माँ ने बताया कि वो कांच की बॉटल तोड़ करके उस पर चढ़ गया और कूद रहा है और खून ही खून कर दिया उसने, अपने आप की भी जान को धोखे में डाला, तो अगर इतने लेवल पर शरारती है, तो उसकी आप अगर खुद देखें, तो जो सेंसिटिव बच्चा है उसको और जो ये शरारती बच्चा, उन दोनों की परवरिश एक जैसे नहीं हो सकती। तो अगर आप एक पैमाने में स्कूल में या कॉलेज में चले जाएं, तो सबके लिए पैमाना एक हो जाता है कि बच्चों को ये दिया जाए, ये इससे बेहतर होता है, इससे बुरा होता है। नहीं, फिजियोग्नॉमी या हमारा सब्जेक्ट कहता है कि हर बच्चे की परवरिश अलग होगी। जैसे आपके घर में 9 लोग हैं, तो एक सब्जी बनाते हो तो डेफिनेटली 2 लोग कहते हैं कि नहीं, ये सब्जी हमें नहीं चाहिए, हम नहीं खा पाएंगे, उनके लिए आप दूसरी सब्जी अच्छी नहीं बनाते है। हो कि नहीं, दूसरी सब्जी बनाते हो। तो हर आदमी का टेस्ट अलग है, उसका स्वभाव अलग है। तो हम क्या करते हैं कि हम समय इतना नहीं देना चाहते, हम इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, हमको लगता है कि एक बार में एक चीज़ हो गई, वो सबके लिए हो गई, तो हम मेहनत से बचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी फैमिली में 5 लोग हैं और 2 लोग उस सब्जी को नहीं खाते हैं, तो आपको दूसरी बनानी पड़ेगी। अगर एक बच्चा सेंसिटिव है और एक बच्चा एक्सट्रोवर्ड है, और वो खूब खुल करके बात करता है, तो दोनों की सिलेबस अलग हो जाएगा, दोनों की पढ़ाई अलग हो जाएगी, दोनों के प्रति हमारा व्यवहार भी अलग हो जाएगा। लेकिन लोग एक फॉर्मेट में चलते हैं, एक फॉर्मेट में, कि हाँ, जैसे मेरे को एक चीज दोनों बना बच्चों को दी, समान सबको दे रखना दी, है। समान नहीं रखना है। असमानता ही, विभिन्नता ही इस धरती का नेचर है, प्रकृति है। आप सुबह कुछ और टेम्परेचर था, दोपहर में कुछ हो गया, शाम को कुछ और हो जाएगा। अभी पहले सर्दियां थी, अब गर्मियां आ गई, अब फिर बारिश आ जाएगी। तो असमानता प्रकृति का नैसर्गिक स्वभाव है, आप उसे नहीं बदल सकते। ऐसे हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। लेकिन अगर आप माँ बाप हो और आप सोचो कि हमारे 3 बच्चे हैं, या हमारे स्कूल में 100 बच्चे ही हैं, या 30 बच्चों की क्लास है, और सबको एक ही फॉर्मेट में हम बात बता दें और सबको समझ में आ जाएगी, ये बिल्कुल असंभव है। तो बच्चों की परवरिश कैसे करें? सबसे पहले आपको बच्चे के साथ सेंसिटिव होना होगा, उसके आपके सेंसेस हाईली एक्टिवेटेड हो, आप उनको महसूस करें कि उसका नेचर क्या है, उसकी चॉइस क्या है, उसे खाने में क्या पसंद है, वो बातचीत किस तरह से करता है, या किस टॉपिक पर वो ज़्यादा बात कर रहा है, वो टेक्निकल ज़्यादा है या इमोशनल ज़्यादा है, या इनसिक्योरिटीज उसको ज्यादा है, या वो डेयरिंग है, चैलेंज एक्सेप्ट करता है। तो आपको थोड़ा मेहनत, थोड़ी होमवर्क करना पड़ेगा। आप सोचिए कि सिर्फ एक डंडी लेकर के जैसे भेड़ों को हाँक दिया, भेड़ों के बच्चे नहीं है इंसान, उनकी अपनी सेंसेस ज्यादा एक्टिवेट है, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। अगर आप मेहनत से बचोगे और सबको एक जैसे हाँकोगे, तो फिर गलतियां होंगी। जहां डांटना है वहां डांटना पड़ेगा, जहां अप्रिशिएट करना है वहां अप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो आपको मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटीज देते हुए आपको अपने सेंसेस हाईली एक्टिवेटेड करने होंगे, तो नहीं तो रिजल्ट नहीं आएंगे। अगर आप सबको एक अलग ट्रीटमेंट देंगे, क्योंकि अगर आप जैसे कोई पतला आदमी कहता है मुझे मोटा होना है,
तो आप सब कहते हैं कोई जिम ज्वाइन कर लो, तो जिम ज्वाइन करने से थोड़ी कि सब मोटे हो जाते हैं, नहीं, आप जिम जाने का मतलब मोटा होने का मतलब जिम ज्वाइन करना नहीं है, आप उपाय ढूंढ रहे हो, या आपने बस अपनी डाइट बढ़ा दी, या आपने डाइट बढ़ा दी, तो डाइट बढ़ाने से या जिम जाने से आप बॉडी बिल्डर नहीं होगी। सॉल्यूशन है, आप पहले इन कारणों पर जानिए कि आप मोटे क्यों नहीं हो रहे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, या आप अपने विचारों को सप्रेस कर रहे हैं, आप अपने से खुल के बात नहीं कर रहे हैं, या आपका कोई दोस्त ही नहीं है, आप दोस्त बनाते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, या आपको लगता है कि मैं इस भागदौड़ की जिंदगी में उतना स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं हूँ, दिमाग में आइडियाज नहीं आते, यानी आप हीन भावना के शिकार हैं, या तो ये रीजन है कि आप सप्रेसिव हैं, हीन भावना के शिकार हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, आप दबी हुई आत्मा है, तब का वेट नहीं बढ़ेगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि खुल के जिंदगी नहीं जी रहे हो। दूसरा कारण हो सकता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और आप एक सब्जी से ही 2 टाइम खाना खा रहे हो, घर में खाना ही नहीं मिल रहा है, या फिर आप सुबह खाना बनता है जब तक आप जॉब पे चले जाते हो और 12 घंटे ड्यूटी करके रात का ही खाना खा रहे हो, तो भी सेहत नहीं बनेगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप सप्रेसिव भी नहीं हैं, आपकी डाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपके पिता हैं और आपके घर पर पिता का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन है और वो अपनी ही चलाते हैं और आपको बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं दी गई है, आप घर से बाहर जब भी रहते हैं खुश रहते हैं, घर भी खुश रहते हैं, लेकिन जब भी आपके पिता आते हैं 5 मिनट के उनके बिहेवियर से आपका सब गड़बड़ हो जाता है, तो कारण क्या है? या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी विटामिन डी की कमी हो सकती है, या आप अपने आप को सनलाइट में नहीं जाने देते और आप सिर्फ एसी में बैठे रहते हैं और आपकी किडनी बहुत अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो आपको सबसे पहले कारण चुनना होगा, ढूंढना होगा कि कारण क्या है कि हमारा वेट नहीं बढ़ रहा, या तो हम सेंसिटिव रीजन है, या हम वो परमिशन नहीं मिल रही, फ्रीडम नहीं मिल रही है, या फिर हमारे पिताजी डोमिनेटिंग है, या हम कंफर्टेबल नहीं है, हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या डाइट प्रॉब्लम है, या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या आप अपने मन का नहीं कर पा रहे हैं, तो कारणों को जब ढूंढ लेंगे कि आप के साथ प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम जब पता चल जाएगी तो उसको सॉल्व कर लोगे और तब आपकी बॉडी अपने आप होने लगेगी। चाहे आप कितना भी खा लें, कितनी भी डाइट खा लें, चाहे आप दिन भर पनीर खाइए, चाहे घोड़े जैसे आप कितनी भी चने की दाल भिगो भिगो के खाइए, उससे बॉडी नहीं बनेगी, बल्कि पेट पे अतिरिक्त भार पड़ेगा, लूज मोशन हो जाएंगे और आपको उधर भी तकलीफ है और आप दोबारा एक नई तकलीफ देना अपने आपकी बॉडी को स्टार्ट कर दोगे। तो कारणों को जब तक नहीं जानोगे तब तक आपका कोई सॉल्यूशन मेरी नजर में नहीं होता दिखता। तो कारणों को जाने, और हर आदमी की जो हमारा सवाल था कि बच्चों की परवरिश कैसे की जाए, तो बच्चे के नेचर को समझें, जैसे हमने मोटे और पतले होने की बात की, तो आप बॉडी के नेचर को समझें कि आपको क्या सूट करता है, तो आप अपने आप पर ज्यादा काम करें, अपने नेचर को ज्यादा समझें, तो आप अपना बायोलॉजिकल बदलाव ला पाएंगे, और आप अपने बच्चों को अगर समझ लेंगे कि वो किस तरह का बच्चा है, किस तरह की आत्मा है, किस तरह की उसकी एनर्जी है, उस तरह का किस तरह का उसका ऑरा है, उसका ग्रेविटी फोर्स क्या है, वो किस तरह की एनर्जी है, भगवान ने उसको क्यों भेजा है, उन सब कारणों को जब आप रिजॉल्व कर लोगे तो आप उसके प्रति बिहेवियर के लिए कोई तैयार नहीं करोगे, आपका व्यवहार अपने आप बदल जाएगा। गर्मी होती है तो आप अपने आप पंखा चला देते हो ना, सर्दी लगती है तो अपने आप कोट पहन लेते हो, लेकिन आपको पहले महसूस तो होगी सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है, आपको जब पता ही नहीं चलेगा कि सर्दी लग रही है गर्मी लग रही है तो आप पहनोगे क्या, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो आपको सेंसिटिव होना होगा और बच्चों को ज्यादा ऑब्जर्व करना होगा, ना कि इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि ये मत करो वो मत करो, फोर्सफुली लगा करके रोक दो या कोई लालच दे दो कि ऐसा करोगे तो वैसा मिलेगा, इन सबको अलग हटा करके आपको बच्चे को सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व बोले तो आपको पेशेंट रहना है, ऑब्जर्वेशन आपको पहले खुद ठंडा होना होगा और आपको उनको शार्पली देखना होगा, जब आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से देख पाएंगे और जजमेंटल नहीं होंगे, अपनी नहीं चलाएंगे, उनको सिर्फ देखेंगे, फिर आप एक उनके अच्छे मेंटोर बन पाएंगे, से पेरेंट्स ही नहीं मेंटोर बन पाओगे, आप उनके एक अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे। लेकिन ऐसे बच्चों का नेचर क्या समझे, जैसे कि उन्होंने आज कोई मूवी देखी तो वो सोचेगा कि इस मूवी का किरदार मैं भी कर सकता हूँ, जैसे उन्होंने कोई स्टंट देखा टीवी में तो वो सोचते हैं मैं भी कर सकता हूँ, कोई जादू देखा तो सोचते हैं मैं भी कर सकता हूँ, हर काम को वो सोचता है कि मैं भी कर सकता हूँ। 8-9 साल का बच्चा है, वो हर काम को, आज आपन यहाँ बात बड़े भी करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं, हाँ बड़े भी करना चाहते, लेकिन उसमें ज्यादा है मेरे देखा हुआ। अब जैसे अब हम बात कर रहे हैं, वो स्कूल से आया हुआ है, नहीं तो वो तुरंत से यहाँ जाता, मैं भी सवाल पूछ सकता हूँ, मैं भी काफी सारे सवाल क्या है यहाँ पर। तो सवाल ये है कि मतलब ऐसे बच्चों को नेचर क्या समझे, वो मतलब ज्यादा हर चीज को सीखने की क्षमता है या कुछ? देखो इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के हार्मोनल पे डिपेंड करेगा कि जब बच्चे सेकंड चेंजेस आने से पहले, यानी 11-12-13 साल से पहले, यानी फीमेल जब तक पीरियड्स ना आने लगे और पुरुषों में जब तक बाल ना आने लगे, दाढ़ी मूछे ना आने लगे, तो सेकंड चेंजेस आने से पहले हार्मोन अलग होते हैं और सेकंड चेंजेस होने के बाद हार्मोन अलग हो जाते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड है 8-9-10-11-12 साल का, ये सबसे ज्यादा सीखने का टाइम होता है,
बात बच्चों की या बच्चों की तत्परता की नहीं है, बात उनकी इस समय की है कि इस समय वो ऐसे खाली हैं और उनके में सब कुछ सीख लेने की है। वो जैसे अगर हम किसी को फिजिक्स सिखाते हैं और अच्छे एक अमाउंट में पढ़ाते हैं, कोई 44 साल का, कोई 60 साल का और कोई 12-15 साल का, तो 12-15 साल का बच्चा ज़्यादा जल्दी सीख लेता है क्योंकि वो लर्नर होते हैं, सीकर होते हैं, वो ऑब्जर्वर होते हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं। तो किसी भी चीज़ को देखने की बात हो या सीखने की बात हो या खुद से करने की बात हो, वो बच्चों के साथ होता ही है। लेकिन जब वो 13-14 में आएंगे तो अपने को डिस्कवर करेंगे, उनकी एनर्जी बदल जाएगी, फिर वो भटकने लगेंगे 4 ऑप्शंस में, फिर 28, 30, 35 के बाद वो स्टेबल हो जाता है, फिर ये सब समस्याएं उनके साथ नहीं रहती हैं। तो ये बायोलॉजिकल भी है और साइकोलॉजिकल भी है कि इस एज में लोग क्यूरोसिटी, जिज्ञासा ज़्यादा होती है। 60 साल का आदमी में उतनी क्यूरोसिटी नहीं होती, अमूमन अगर देखा जाए, या 35 साल का आदमी स्टेबल हो जाता है। तो ये एक उनके एज है। जैसे अगर हम मक्के और बाजरे की फसल को बोते हैं तो पहले 1 महीने में कितनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, फिर 2-2.5 महीने में नहीं आती है, तो ये उनके बढ़ने का ही टाइम है। आप अपने डॉग को देखें कि जब लाए थे तो पहले 3 महीने में कितनी जल्दी बढ़ गया और अब वो उतनी जल्दी नहीं बढ़ रहा है, तो उनके ये प्रोग्रेसिव टाइम है, इसलिए वो इसलिए सीख वो नहीं पाए। पूछेगा पूछेगा। हाँ, आपकी बस इतनी सी मेहनत है कि उसके सवालों का जवाब दिया जाए, जो भी वो पूछ रहा है, जो भी वो कर रहा है, सवाल पूछे जाए तो उनको रिसर्च करें। आपको नहीं आते हैं तो आप गूगल सर्च करें या कोई किताब पढ़ें या जैसे मुझसे सवाल पूछें, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी को समझें, दबाएं नहीं, वो तो पूछेंगे और यही सही समय है पूछने का। अगर अभी नहीं पूछेंगे तो बुढ़ापे में नहीं पूछेंगे, क्योंकि मेरी इमेज बन गई है। अगर मैंने स्कूल में सवाल पूछा तो लोग बोलेंगे अरे इसको तो ये भी नहीं आता, फिर ये प्रॉब्लम आएगी, या फिर उस लड़की के सामने पूछा तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी। अभी उनके